हेलो हाय। तो ये क्लास 3 है, ठीक है। और इस वीडियो का टारगेट रहेगा लाइक्स 250 और कमेंट 250। ओके, तो आगे का पूरा सेशन स्टार्ट करने से पहले जो पिछले क्लास के जो क्वेरीज थे ना, तो उन पे बात कर लेता हूँ मैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या अलग से सब कुछ लिख रखा है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है ग्रिड साइज के ऊपर। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ना, पोर्ट्रेट, ठीक है, तो वहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, और जो सिंपल ये ड्राइंग्स होते हैं ना, एप्पल हो गए या फिर सिंपल जो फ्रूट है सब, तो उनमें मैंने बोला था क्या, तो 2 सेंटीमीटर ले लो या फिर 2.5 सेंटीमीटर ले लो। इसका एक रीज़न है, जैसे कि मान के चलो आप कोई भी एक चेहरा बना रहे हो, कोई भी एक ह्यूमन का अगर फेस बना रहे हो आप, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये बना रखा है गुरु रंधावा का स्केच, ठीक है। अब अगर मैं इसमें, अगर मैं नोज़ में या फिर आईज़ में अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैं एक्यूरेसी अगर कम कर देता हूँ, तो क्या ये गुरु रंधावा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर वही मैं, अगर मैं एप्पल में अगर थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है, तो वो एप्पल तो दिखेगा ना वो, ठीक है। तो जो हम ये जब ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर कोई भी ग्लास हो गया या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या एक्यूरेसी लेवल अगर 70% भी है, अगर 70% भी अगर एक्यूरेसी लेवल है, तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें, तो यहाँ पर कम से कम ना 95% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। अगर सामने वाला, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला वो इस पोर्ट्रेट को पहचान सके कि हाँ भाई इसमें कौन है, ठीक है, ठीक है, तो वो उसके लिए ना आपको 95% एक्यूरेसी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने बोला था कि पोर्ट्रेट में 1 सेंटीमीटर सही रहता है, और जो सिंपल जो ड्राइंग होता है उसके में 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं। दूसरा क्वेरी है शेप शेड, ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो, मैंने कल ही बोला था कि जो भी सर्कल ड्रॉ करते हैं या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। मैं उसका एक रीज़न दे देता हूँ। जैसे कि कोई भी हम देखो पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ओके, ये पोर्ट्रेट है। आप मुझे ये बताओ कि इस पोर्ट्रेट में आपको कहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या आपको ट्रायंगल? या कहीं पे भी आपको सर्कल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो आप सर्कल और ट्रायंगल की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? आप कर क्यों रहे हो सर्कल और ट्रायंगल की प्रैक्टिस? ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल तब काम आता है जब आप फ्री हैंड का इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि पूरा सर्कल ना हम ड्रॉ करते हैं अपने हाथों से, ठीक है, और उसमें बहुत से लाइनिंग सब होती है, नोज वगैरह उसको हम ट्रायंगल में बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ की हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमारा एम है ग्रिड से पहले आउटलाइन सीखना, शेडिंग सीखना, फिर उसके बाद सीखेंगे फ्री हैंड आउटलाइन, ठीक है। तो अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है। हमारी बस नीड ये है, जैसे कि देखो, अगर आप कोई भी मान चलो, चलो मान लो कि आप सर्कल ड्रॉ करना सीख रहे हो, नॉर्मली सब लोग क्या इसी से शुरू करते हैं सिखाने के लिए, ठीक है, पर मेरे लिए तो ये टाइम बर्बाद सा लगता है। अब देखो, जैसे मैंने कल बताया था कि ये 4 शेडिंग है, ठीक है, एक शेडिंग यू, ठीक है, दूसरी शेडिंग यू, तीसरी यू और फोर्थ यू, और फिफ्थ एक ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, बट ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। आप चाहो तो उसको ऐसे भरो या फिर ऐसे भरो, बात तो वही पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने, क्योंकि देखो नीचे की तरफ से जब हम स्ट्रेट करते हैं ना, तो उतना प्रॉपर नहीं बैठता है, लेकिन वहीं अगर हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट करते हैं ना। हाँ, एक और चीज़, जब मैंने कल ये बताया था ना स्ट्रेट करने के लिए, तो देखो जब आप अपने हाथ के जो मूवमेंट को जब आप एक बार यूं कर देते हो ना, यूं, ठीक है, तो वापस से यूं नहीं करना है वो। जब जैसे देखो, जैसे कि यूं किया फिर दोबारा ऊपर हाथ ले जा करके वापस यूं, ठीक है, मैंने यूं और यूं नहीं किया है, सिंपल है, यूं 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 ऐसे, ठीक है। इसका भी मतलब ये भी कोई वजह से बोल रहा हूँ कि एक बार यूं फिर यूं क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, बट वो आगे चल के मैं सब कुछ सिखाऊंगा, अभी बस इतना ही प्रैक्टिस करो। और साथ में एक और बच्चे ने बोला है ये बात कि सर, मतलब इस चारों शेडिंग मैंने आपने बताई है, तो आपने बोला था कि चारों लाइन मतलब 4-4 लाइन फिल करना है। देखो, ये इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि क्या होगा ना, जैसे कि आप जब शेडिंग करना सीखोगे और जब इक्वली प्रेशर के साथ जब आप शेड करना सीखोगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो हाथ है ना वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम पोर्ट्रेट पर जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ यही शेडिंग काम आता है, एक तो यूं या फिर यूं या फिर यूं या फिर यूं, बस इसके अलावा कोई शेडिंग है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं पहले से ही आपको सिखा रहा हूँ,
ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जब पोर्ट्रेट पे आओगे ना, देखो मेरा एम ही यही है कि शेडिंग हो गया, कुछ भी हो गया ना, मैं आपको सिंपल सिंपल चीज़ों में ही सिखा दूँ, ठीक है, ताकि जब आप पोर्ट्रेट में बनाओगे ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। आप लोग पहले से ही सब कुछ सीख के बैठे रहोगे, बस क्या करना होगा, जो चीज़ आपको आता है उसको बस असेंबल करना है और एक जगह पे रख दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन था, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। देखो बहुत सारे लोगों का ये रोना लगा रहता है कि मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, ये है वो है, ठीक है, मनी प्रॉब्लम है, जो भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो ही गया, मनी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। और रही बात मटेरियल कॉस्ट की, ठीक है, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कम से कम कॉस्ट में, जो मटेरियल कॉस्ट होता है ना, तो बिल्कुल कम से कम सस्ती चीज़ों में ना आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। मैं कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं खरीदवाऊंगा, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि स्टेडल पेंसिल ले लो उसे शेडिंग कर लो, ठीक है, वो सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपसे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ खरीदने के लिए। तो मनी प्रॉब्लम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। और रही बात सपोर्ट, ये देखो ऐसा है, सपना आपका है तो पहले आप समझो उस चीज़ को, ठीक है, उस पर आप मेहनत करोगे, कोई और आकर के मेहनत नहीं करेगा। अगर मम्मी पापा हैं या फिर भाई बहन हैं, कोई दोस्त हैं, ठीक है, तो सपना आपका है तो पहले उस चीज़ में आप थोड़ा सा अच्छा करके दिखाओ उनको, ठीक है, उसके बाद ही ना वो देखेंगे कि हाँ भाई आपने क्या दिखाया सपने में। जैसे कि मैं ही हूँ, मुझे भी किसी सपोर्ट नहीं किया था, बट मैं जब मैं ड्राइंग करना स्टार्ट किया, जब मैंने सीखा, तो जब लोग उस चीज़ को देखते हैं ना कि हाँ भाई चीज़ें सीरियसली सब कुछ चल रही हैं, तब लोग सपोर्ट खुद करते हैं, उससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, भले वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि अगर आप अभी जाकर के मम्मी पापा से बोलोगे कि पापा मुझे 4 लाख रुपये चाहिए, मुझे एक बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो नहीं देंगे, ऊपर से लात मार के भगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे, अगर उनसे बिना बताए अगर आप कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके कुछ इनकम जनरेट कर लोगे ना, तो फिर उसके पापा 10 लाख रुपए मांगोगे ना, वो खुशी खुशी आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि पहले जो कुछ चीज़ें ना रिजल्ट निकाल करके सबको दिखाओ कि हाँ देखो ये सब चीज़ें हैं, तो लोग जब समझेंगे ना ऑटोमेट, जब देखो लोगों को समझ में तभी आता है जब वो चीज़ आपके उनके सामने दिखती हैं, ठीक है। आप तो देख चुके हो, लेकिन उनको दिखाने के लिए आपको ना रिजल्ट दिखाना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो सपोर्ट आपको शुरू में कोई करेगा ही नहीं, आप चाहो तो जो करना चाहो कर लो, कोई किस्मत वाला ही होता है जिनके मम्मी पापा काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बाकी नॉर्मली तो कोई नहीं करता। तो खुद प्रैक्टिस करो पहले, थोड़ा अच्छा बनो, उसके बाद ऑटोमेटिक सब लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया टॉपिक। अब ये टॉपिक काफ़ी, मतलब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, एक बच्चे ने मुझसे कहा है कि सर आप लेंथी वीडियो बनाते हो, सर आप ना अपना वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में रहते हो। देखो बेटा ऐसा है, अगर आप कहीं पर भी अगर कोचिंग करते हो ना, अगर मान लो जो भी ये जो चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कलर पेंसिल हो गया, अगर आप तीन इन तीनों का कोर्स करते हो ना बाहर, तो मान के चलो आपके ना 25,000 रुपये लग जाएंगे सीखने के, सच बता रहा हूँ, 25 से कम कोई लेगा भी नहीं, ठीक है। और उसमें भी मुझे नहीं पता है कि वो लोग आपको प्रॉपर सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, या फिर जो, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, मैंने चीज़ बहुत सुनी भी है कि लोग रुपए ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं बच्चों को प्रॉपर नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बच्चा सीख जाएगा तो वो तो भाग जाएगा ना, ठीक है, वो खुद की भी कोचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मनमान चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो पहली बात वो सिखाएगा भी नहीं पूरा, ठीक है। अगर सिखा भी दिया तो आप देखो जैसे कि आप जब ऑफलाइन क्लास करने जाते हो, तो वहाँ का टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाता है, तो वो क्या सिर्फ 5 मिनट पढ़ाता है क्या? नहीं ना, वो भी तो 1 घंटा पढ़ाता ही होगा ना, ठीक है। तो जब आपको वो चीज़ फ्री में मिल रही है, ठीक है, जब आपको उसमें कोई नुकसान आपका कुछ है भी नहीं, तो फिर इतना रोने की ज़रूरत कहाँ रही है। और चलो मान के भी चलो कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने में लगाऊँ, मान लो, ठीक है, तो इसमें आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप सीखो ना, ठीक है। क्योंकि देखो YouTube पे ना लाखों वीडियोस हैं, लाखों में, जहाँ पर लोग ना शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, आज तक सीख पाए? नहीं सीख पाए ना। फिर तो लेंदी वीडियो हमेशा सही रहता है, रियल टाइम वीडियोस हमेशा सही रहता है, क्योंकि उसमें जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं रियल टाइम में अगर मैं इसको अपलोड कर भी रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको पूरा दिख तो रहा है कि मैं उसमें कौन सा क्या कर रहा हूँ, उसमें कुछ छुप थोड़ी रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो,
ठीक है, तो लेंदी वीडियो हमेशा सही रहता है। और एक और चीज़ बता दूँ, लेंदी वीडियोस देखने से ना एक फ़ायदा होता है, आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो। देखो टाइम मैनेजमेंट, तो ये तो खैर मैं क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो हर किसी का टाइम ना आगे पीछे रहता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग रात में काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, घर में किस हिसाब से सबका रूटीन है, तो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बस इतना कहूँगा कि दिन में अगर 1 आवर भी अगर प्रैक्टिस करते हो तब भी सब मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप एक काम करिए, सामने देखो वीडियो देख रहे हो तो टाइम तो लग ही रहा है ना, तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते चल जाओ। जैसे कि मान लो अभी जैसे कि अभी तो खैर सिंपल सिंपल चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप सामने रख दो, ठीक है, फ़ोन को, और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी साथ में ड्रॉ करते रहो। ठीक है, तो 1 आवर भी अगर ड्रॉ करते हो ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं भी तो 1 आवर में ही ड्रॉ कर रहा हूँ जो भी चीज़ें, क्योंकि रियल टाइम रहेगी ना, तो आप भी साथ में ड्रॉ करते रहोगे। तो अगर टाइम अगर मैनेज नहीं भी हो रहा है तब भी हो जाएगा, वीडियोज़ वॉच करते रहो साथ में ड्रॉइंग करते रहो, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। डेली का 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे वो भी बहुत है, सफिशेंट है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें, मोटिवेशन, फोकस और पेशेंस। ठीक है, फोकस और मोटिवेशन, ठीक है, ये दोनों मतलब एक ही खेत की मूली हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो थोड़ा। जब हम कुछ चीज़ें ना सेल्फ सीखते हैं ना, तो 2 चीज़ दिक्कत आती है, एक तो इन्वायरमेंट का असर बहुत पड़ता है, कहते हैं संगति का असर, वो चीज़ है। देखो देखो जैसे कि अगर मान लो अगर आप कोई क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी उनके साथ में लग जाओगे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर वहीं अगर आपको एक रूम में छोड़ दूँ मैं, कहूँ कि चलो पढ़ो, तो उतना मन नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। तो वही चीज़ है, जैसे कि मैं अभी आपको ये अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे इसको सीख नहीं सकते, मतलब सीखो मतलब ट्राई करोगे सीखने का, बट क्या होगा ना आपका जो दिमाग है वो इधर उधर भटकेगा, इसे वो कहते हैं फोकस लेवल। ठीक है, और मोटिवेशन, मोटिवेशन से ही ना आपका जो फोकस लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन रहेगा अंदर, ठीक है, तो ना चीज़ों को करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो वहाँ फोकस नहीं भी होगा ना तो आने लग जाता है। तो देखो मान के चलो कि आपका जो दिमाग है उतना शांत नहीं है, मतलब फोकस उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि घर पे बैठे हो, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है, तो प्लीज़ ना मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका जो दिमाग ना शांत रहता है। जैसे कि कुछ लोगों को ओवर थॉट करने की ज़्यादा आदत है, जैसे कि मान लो अभी मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो कई लोग तो ये सोच के बैठे होंगे अभी कि यार इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो पोर्ट्रेट सीखना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो सर ये पता नहीं क्या सिखा रहे हो, एप्पल बनाना सिखा रहे हो ये वो, ठीक है, क्योंकि मैं तो अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो देखो ऐसा है, एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा आपके दिमाग में ना शांति हो जाए, क्योंकि कल अब बहुत लोगों ने ये बात बोल दी है मुझसे इंस्टाग्राम पे। देखो मैंने भी कभी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की है। ठीक है, अगर आप कुछ भी बड़ा चीज़ करना चाहते हो ना, तो उससे पहले आपको भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये देखो ये सब मैंने भी प्रैक्टिस किया है, तब जाकर के मुझे ये सब आया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लो जैसे कि आपने ये पोर्ट्रेट बनाया है, ठीक है, मान लो ये आपने ही बनाया है, ठीक है, इसमें हेयर है, आईज़ है, नोज़ है, लिप्स है, ठीक है, और ये आउटलाइन है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आउटलाइन का मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, तो आउटलाइन अगर आप यहाँ से सीखना चालू कर दोगे ना, देखो शुरू ये लेवल क्रॉस करने के लिए आपका जो एक्यूरेसी लेवल है ना, पहले 70% होगा, फिर 80% होगा, 90% होगा, देन 100% होगा। ठीक है, तो पहले 70% लाओ, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा और इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो धीरे करते करते जब आपका आउटलाइन सही हो जाएगा ना, तो इसका जो नक्शा बनाना आप सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो तो उसके बाद जैसे कि कहाँ गया, अब ये देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर शेडिंग है, देखो जो फेस का शेडिंग है ना, फेस में जो मैंने शेड कर रखा है वो यहाँ पर मैंने, ये भी तो वही है ना ये, तो अगर आप यहाँ पे अगर शेडिंग करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर भी शेड करना सीख चुके मतलब सीख जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो ये वाला है हेयर कॉम्ब, ठीक है, ये डार्क एरिया, मैंने ये ड्रा मतलब शुरू शुरू में मैंने क्या किया था कि मैं डार्क एरिया समझ रहा था। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आप डार्क एरिया समझ जाते हो तो मान लो कि जैसे कि ये नोज़ है, ठीक है, इसके पीछे हल्का सा ना परछाई आ रहा है, ठीक है, तो ये डार्क एरिया है। ठीक है, तो जब आप ये सब चीज़ें ड्रॉ करना सीखोगे ना, तो ऑटोमेटिक ना आपका जो स्केच है 3D बनाना आप सीख जाओगे। ठीक है,
और मैं अलग से हेयर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो जब आप हेयर बनाना सीख जाओगे, जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे, तो आपको हेयर बनाना भी आ जाएगा, है ना? और देखो लिप्स है, अगर आप, मैं आपको अलग से लिप्स की ड्राइंग कराना सिखाता हूँ, शेडिंग करना सिखाता हूँ, ठीक है? तो आगे चल के आपको इसी में तो वो बनाना है ना, तो वो चीज़ें सब कुछ मिलजुल करके ना वो इस यही बनेगा। अब देखो ये जैसे कि मैंने आईज़ है, ठीक है? तो मैं आपको ना बिल्कुल आई ना बिल्कुल इतने बड़े बड़े पेपर पे बिल्कुल एकदम HD में बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? और जब सब कुछ बनाना सीख जाओगे ना, तो फिर हम बनाएंगे पोर्ट्रेट। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, देखो हेयर आपको पहले से आता होगा, ठीक है? आउटलाइन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आईज़ आपने बनाना सीख ही लिया है, ठीक है? लिप्स बनाना आपने सीख ही लिया है। तो जब पूरा असेंबल करोगे ना, तो वो सब मिलजुल करके एक पोर्ट्रेट ही जा करके बनता है वो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल सिंपल चीज़ों में सब कुछ सीख जाओ, क्योंकि जब अगर हार्ड में अगर चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे ना, तो ये गारंटी देता हूँ मैं कि 2 साल के अंदर भी आप ये बनाना नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप टुकड़े टुकड़े कर करके ना सीखोगे ना, और जब उसको सबको असेंबल कर दोगे, तो ज़्यादा नहीं 4 मंथ के अंदर, ठीक है? मुझे बस 4 मंथ दे दो, ठीक है? बिल्कुल आप ना ऐसा बनाना आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है? बस आपको करना ये है कि ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? प्रैक्टिस करो, ठीक है? सोचने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं गाइडेंस देने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके? तो इस चीज़ को समझो, बहाने बनाना बंद करो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? बस प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस करते चले जाओ फटाफट, और जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसे करो, आंख बंद करके करो, बस करो, ठीक है? अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर मैंने ये बोल दिया है आपको कि आपको ना, अभी तो खैर मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिन भर आपको ऐसे 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 करना है, तो आप बस वही करना, शांति से करना, ज़्यादा मत सोचो कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बस करो। अभी से कि मैंने आपको बोल रखा है ना कि ये शेड करने के लिए, ठीक है? ये 4 शेड मैंने करने के लिए बोला था पिछले वीडियो में, ज़्यादा मत सोचो, बस शांति से 4 या 3 लाइन एक शेड का लगाओ, ठीक है? पूरा एक पेपर भर दो, और ध्यान रहे इसका जो प्रेशर लेवल है, जब एक साथ बनेगा ना, और जब लाइनिंग प्रॉपर, जब उसमें जब बनाना सीख जाओगे, तो आपका हाथ कंट्रोल में आ जाएगा, आपका जो हाथ का जो प्रेशर लेवल है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से आप मेंटेन करना सीख जाओगे, ठीक है? ये दोनों चीज़ें ना आपको शेडिंग में काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि अब देखो, जैसे कि मैं नोज़ है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर अगर शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है, अगर मैं शेडिंग करते करते अगर मैं ये पेंसिल को अगर आगे भी अगर मैं शेड करने लग जाऊँगा, तो बिगड़ जाएगा ना। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको सीखने को बोल रहा हूँ कि इस लाइनिंग से पार नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक आप ना यहाँ पर फिनिशिंग देना सीख जाओगे, ठीक है? और रही बात शेडिंग की, अगर आप इक्वली प्रेशर से अगर आप शेड कर रहे हो, तो चीज़ें तो यही जाके बनेगी ना बेटा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मतलब है, ठीक है? इसलिए आप बस प्रैक्टिस करो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट में बस वो सब कुछ बता रहा हूँ। और देखो एक और चीज़, सर्कल है, ठीक है? ये सर्कल है, ये है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना, सच बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, ये सब चीज़ें बस टेक्निकल चीज़ें हैं, लोगों को इसमें उलझाया जाता है, ताकि सामने वाला जो होता है स्टूडेंट, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें बकैतियाँ हैं और कुछ नहीं है। ये सब आपके कभी काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। ये सर्कल को बनाते रहते हो, या फिर होता है ना 10B, पहले 10B पेंसिल यूज़ कर लो, फिर उसके बाद फिर 8B पेंसिल यूज़ कर लो, वो एक शेड का जो चार्ट होता है ना, ठीक है? वो ड्रॉ करते फिरते रहते हो ना, वो सब चीज़ें बकवास हैं, ठीक है? वो बस यूं ही है, मतलब टाइम बर्बाद सा लगता है मुझे तो, ठीक है? तो बस आप ये चीज़ें करो, वो ऑटोमेटिक आपका ये सब कुछ मैं सही कर दूंगा, ठीक है? बस आप ये प्रैक्टिस करो डेली का, ये डेली करना होगा आपको, ये डेली करना होगा। अगर नहीं करोगे तो मुझसे मत बोलना कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ये करो, ये बस करो। और एक रहा ये पेशेंस का, ठीक है? तो देखो फोकस, मोटिवेशन और पेशेंस ना, इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ, अगर मतलब बहुत कम है तो ये कर लेना। देखो इनहेल और एक्सहेल नाम से ना एक योगा होता है, ओके, ठीक है? जैसे कि मान लो एक नोज़ है, मैं सिंपल एक ट्रायंगल में नोज़ बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, नोज़ है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज़। तो एक नाक से सांस लेते हैं, इससे निकालते हैं, फिर इससे लेते हैं, फिर इससे निकालते हैं, ठीक है? तो एक लूप होता है ना, सांस लेना और फिर उसको निकालना, तो वो 5
सेकंड का होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बता पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 5 सेकंड का एक लूप होता है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या बताऊँ मैं। और दूसरा है एक उद्गीत नाम से, उद्गीत, ठीक है, ओम बोलते हैं ना, ओम, ठीक है। तो उसको अगर आप डेली अगर 10 मिनट भी करते हो ना, तो आपका पेशेंस लेवल और फोकस ये दोनों इतना अच्छा इंक्रीज हो जाएगा ना कि आप 10-10 घंटे ड्रॉ करना, मतलब 10-10 घंटे ना आप बैठे रहोगे आराम से ड्राइंग करोगे, पर आपका मन ना उबेगा नहीं, ठीक है। इससे होता क्या है, जब हम उद्गीत करते हैं ना, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो क्या रुक जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है आपका दिमाग है, तो जाहिर सी बात है जब आप फोकस, आपने देखा नहीं है जब पढ़ने को बैठते हो तो दुनिया की सारी बातें उस टाइम सब कुछ याद आता है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपका जो फोकस लेवल है ना बिगड़ रहा है, ठीक है, आपका दिमाग शांत नहीं है। तो ये उद्गीत करने से आपका दिमाग ना खुश रहेगा, जब ऑब्वियस सी बात है अगर आप खुश रहोगे ना तो हर चीज़ करने में मज़ा आता है। तो वही चीज़ है, योगा करने से ना आपका माइंड ना शांत रहेगा, खुश रहेगा, तो पेशेंस, फोकस, मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें आने लग जाएंगी ऑटोमेटिक। तो ये दो चीज़ करना, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, और दूसरा है उद्गीत, क्या बोलते हैं, उद्गीत, ठीक है, रामदेव बाबा का है, सर्च कर लेना एक बार, दो मिल जाएंगे, ठीक है। ये दो भी कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ना आपकी एक तो आइज़ सही रहेगी, इनहेल एक्सहेल करने से ना आपकी जो आइज़ है उसका जो पावर है वो काफ़ी इंक्रीज रहता है, हमेशा चश्मा लगेगा नहीं आपको, ठीक है। बाकी ज़्यादा बात नहीं करते इसके ऊपर। और एक और चीज़, मैंने इस वाले डायरी में मैंने ये ड्रॉ किया था, ये मेरी मॉम है और ये मैं हूँ, ठीक है। ये बहुत पहले का ड्राइंग है जब मैंने स्टार्टिंग किया था शुरू शुरू में, ठीक है। तो इसके लाइक कर देना अगर पसंद आया तो। चलो अब शेडिंग की बात करते हैं। और हाँ प्लीज़, ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करो, ठीक है। जितना नेगलेक्ट करोगे ना, यकीन मानो बाद में पछताओगे। बस जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाओ, तो 4 मंथ के अंदर आप ना, आपको समझ में आ जाएगा खुदो खुद ही कि आपने क्या मतलब सीखा है, क्या नहीं सीखा है, सब आप कुछ आपके सामने रहेगा। और जो कुछ भी आप शेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो प्लीज़ उस पेपर को सेव रखो, ठीक है। मान लो अगर आज डेट कुछ भी है, ठीक है, तो डेट लिख लो, है ना, और उसको एक पेपर में मतलब एक फाइल में रख दो, ताकि आप लोगों को ना अपना इम्प्रूवमेंट दिखे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने कल बता दिया था इसका ग्रिड बनाना और आउटलाइन, ओके। तो देखो सबसे पहली बात, इसको पहले करो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से कर लो एडिट में जा करके, या तो एक मैंने कल एप्लीकेशन बताया था पिक्स आर्ट नाम से, ठीक है, तो आप उसको ओपन कर लेना। यहाँ से मैंने शेयर पे जा करके मैंने उसको ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ जाना, टूल पे जाना है, और सॉरी ये इफेक्ट में जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे एक आ रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। देखो एक तो ब्लैक एंड व्हाइट ये हो गया, और एक ये सब तो खैर पेड होंगे, ठीक है, तो आप ये डाउनलोड कर लेना ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कि इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया राइट क्लिक करके। अब देखो जैसे कि आप इस चीज़ को थोड़ा समझना शांति से दिमाग लगा करके। देखो जब हम चारकोल से शेड करते हैं, तो उसका शेडिंग काफ़ी डार्क होता है, ठीक है, काफ़ी डार्क होता है वो। तो हमें क्या करना है कि अब देखो ये जो शेडिंग है ना ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ग्रेफाइट वाला शेड है, ठीक है, ये मतलब उतना ब्लैक नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जाना है आपको टूल में जाना, एडजस्ट में करना है, ठीक है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट लेवल, तो ब्राइटनेस और ब्राइटनेस को तो उतना ही रहने दो, कॉन्ट्रास्ट पे जाओ, ठीक है, इसको हल्का सा ना इंक्रीज करना चालू कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो देखो इसका डार्कनेस लेवल है ना, ये बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो शेड आ रहा है ना, ये आ रहा है चारकोल का, ये काफ़ी डार्क हो गया है ना, तो अब हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर चाहो तो यहाँ से भी हो सकता है, ड्रॉ पर जाना है और यहाँ पर 3 डॉट पे जाना और सेव इमेज कर देना, ठीक है। तो ये दो हो गया। एक मिनट, देखो जैसे कि मैंने ये सिंपल अगर ब्लैक एंड व्हाइट किया था, तो ये वाला है ग्रेफाइट का शेड, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं है, और यहाँ पर है चारकोल का शेड, ठीक है। तो हमें चारकोल से सीखना है। आज चारकोल का देखो मेन मोटिव ही यही रहता है कि आप उसमें डार्क एरिया अच्छे से सीखो,
ठीक है, और हाईलाइट एरिया देखो क्या होता है ना, ब्लैक में वाइट काफ़ी चमकता है, ठीक है, तो इसलिए ना चारकोल का यूज़ ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों चीज़ सीख सकें। और जब ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाएंगे तो उसमें जब प्रॉपर शेड करना आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी बस सिंपल सिंपल चीज़ें प्रैक्टिस करो, आगे चल के सब कुछ हाईफाई चलेगा। तो जो आपने कल ड्रॉ किया था, ठीक है, मैंने कल ड्रॉ किया था जो, तो इसका जो आउटलाइन उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और जो लोग चारकोल का और ग्रेफाइट का शेड मिक्स करते हो ना, प्लीज़ मत करो, क्योंकि देखो दोनों का कंट्रास्ट लेवल काफ़ी अलग होता है। अगर आप चारकोल से अगर हेयर ड्रॉ कर रहे हो, फिर ग्रेफाइट से अगर आप स्किन शेड कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं दिखती है उतनी। और एक और चीज़ प्लीज़, जब भी आप वीडियोस देखते हो ना, तो प्लीज़ सामने फ़ोन रख दिया करो, हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपको डबल टाइम का खर्चा लगेगा। जैसे कि आप मान लो आप पहले देख रहे हो, ठीक है, फिर उसको ड्रॉ करने को बैठोगे, ठीक है, तो फिर बेफालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ओके, तो शेडिंग स्टार्ट करते हैं अब, है ना। देखो हमें ना शुरू में स्मूथ शेडिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमें सिर्फ रफ स्केच करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो पूरा चारकोल का चलेगा तो हम सिर्फ चारकोल ही यूज़ करेंगे। देखो दो तरह के चारकोल पेंसिल हैं, एक तो वाइट चारकोल पेंसिल है और दूसरा है ब्लैक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये वाला तो खैर कैमलिन का है, और दूसरा है ब्रस्टो का वाइट चारकोल पेंसिल। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, तो आप वहाँ से ख़रीद लेना। देखो वो क्या अमेज़ॉन लिंक रहेगा और वो एफिलिएट लिंक रहेगा, तो अगर आप उससे ख़रीदते हो ना तो मुझे उसमें थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, बट उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और ये कैमलिन आपको इजीली मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आपके सिंपल वो जो है ना मार्केट, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा ये। और अगर आपके पास अभी फ़िलहाल अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, इरेजर का यूज़ कर लेना, ठीक है, हाईलाइट के लिए। और ब्रशेज थोड़ा हार्ड लेना, क्योंकि चारकोल ना थोड़ा सा हार्ड करने पर अच्छा ब्लेंड होता है। बाकी अब हम ब्लेंडिंग पे ध्यान नहीं देंगे, पर थोड़ा सा हल्का सा कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी शेडिंग करते हो ना तो पेपर को पहले फिक्स कर दो एक जगह पर, ठीक है, ये आपकी ये आदत में रहनी चाहिए शुरू से ही। क्या होता है ना हमारा, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ का आराम से यूज़ करते हैं, एक रख देते हैं उससे यूज़ करो, ऐसा नहीं करना है, दूसरा हाथ हमेशा पेपर से दूर ही रखो। और मैंने कल वीडियो अपलोड किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए फिर मैंने उसे डिलीट करके दोबारा से उसे अपलोड किया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पेंसिल शार्प कर लेना, और देखो तीन तरह के शार्पनर आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की दिक्कत रहती है कि आप पेंसिल को इतना शार्प कैसे कर ले, तो हमारा तो टूट जाता है, उसका सिंपल सा रीज़न है। देखो तीन तरह का पेंसिल मतलब कटर होता है शार्पनर, साइज़ में एक थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, ठीक है, एक मीडियम साइज़ एक स्मॉल साइज़। अगर आपका जो लेड है अगर काफ़ी टूट रहा है, ठीक है, तो आप स्मॉल साइज़ का यूज़ कर लेना, ठीक है, बाकी मीडियम साइज़ का तो आप लोग के पास होगा ही सही, ये लोग तो नॉर्मली इसी का यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जितना हो सके कम ही करो, क्योंकि ना ये इसमें थोड़ा सा ना लेड थोड़ा सा और बड़ा दिखता है, मतलब बड़ा हो जाता है ना, तो वो टूटने का डर काफ़ी रहता है। और शार्पनर हमेशा ना नया रखो, ठीक है, और हल्का फुल्का भी लगता है ना कि इसका जो धार है कम हो गया तो उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तोड़ना शुरू कर देगा, नहीं तो ये का सॉफ्ट होते हैं टूट जाते हैं तुरंत। अब देखो शेडिंग में हमें क्या ध्यान देना है वो समझो, जैसे कि नीचे का जो शेडो है ना, ये वाला देखो शेडो, ठीक है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। आपको स्मूथ शेडिंग पे ध्यान नहीं देना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। स्मूथ शेडिंग के लिए मैं आपको अलग से बाकायदा एक तरीका बताऊंगा, ठीक है, वो सबके लिए सही रहेगा वो, है ना। बस आपको क्या बस भरना है, ठीक है, लेकिन भरना ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे रगड़ रहे, ऐसा नहीं, मतलब कहाँ गया वो पेपर, मैंने बोला था ना अभी यूं एक ऐसे क्रॉस यूं, बस आपको यही करना है।
ठीक है। अब देखो जैसे कि ये वाला जो एरिया है ना, देखो ये वाला पूरा ये काफ़ी डार्क दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर ये वाला और एक यहाँ पर जो बहुत डार्क दिख रहा है ना, पहले उसको बना लो। और एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा, इसलिए ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, ठीक है। बस आराम से जितना बन रहा है शुरू में बना लो शांति से, थोड़ा तो आगे पीछे भी चलेगा। आपका बस एम होना चाहिए डार्क एरिया पर, मतलब समझने का और कुछ नहीं, स्मूथ शेड की ज़रूरत नहीं है अभी। जहाँ जहाँ भी आपको डार्क एरिया दिख रहा है ना, बस वहाँ पे ना एक निशान देते चले जाओ, ठीक है। देखो जैसे कि ये पर जब आप एक शेड यूं करते हो ना, अगर उसके ऊपर एक और शेड करते हो तो ये और डार्क हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो वही शेडिंग है, ये एक शेडिंग ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया और फोर्थ वाला एक सीधा था, ठीक है। तो बस यही चार शेडिंग चाहिए शेडिंग करने के लिए। देखो मैंने पहला यूं किया, दूसरा यूं किया, और डार्क करना है तो थोड़ा सा और कर दो, और डार्क करना है तो थोड़ा सा और यूं कर दो, ठीक है। तो ये डार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ, बस जहाँ जहाँ डार्क एरिया है ना, बस उसको देखो और बस उसको ड्रॉ करो, लाइट एरिया को भी छोड़ दो, ध्यान मत दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पर छोड़ देना, है ना। बस एक लाइन बस यूँ, ठीक है। और देखो अब देखो यहाँ पर तो हमने कर दिया ये डार्क वाला एरिया, अब देखो यहाँ पर नीचे से ना यहाँ पर भी काफ़ी डार्क जा रहा है, ठीक है। तो मैं बस एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद इस तरफ से है डार्क, देखो रियल टाइम का फायदा यही होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि न जाने कुछ कर दिया होगा ऐसा, जिससे ये बन गया होगा, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा रफ रफ सा दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। अब देखो मैंने ये निशान लगा दिया है, अब मैं इस तरफ से देखो इसके मुकाबले ये थोड़ा लाइट है, ओके। और टेलीग्राम से सब प्लीज़ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं वहीं पर सब कुछ अपलोड करूँगा, इमेज हो गया सब कुछ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बट वहाँ पे क्या होगा ना, मैं वीडियोस से कुछ होमवर्क भी दूंगा ना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ वहाँ पे ही रहेगा, अपडेट रहेगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो मैंने और एक और चीज़, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये तो खैर आपकी आँखें ही देख पाएंगी, मेरी आँख से आप कैसे देखोगे। देखो क्या होता है जैसे कि जब आप ये देखो, ये मान लो लाइट, एक मिनट, ये लाइट है ना कुछ यूं पड़ रही है, ठीक है। तो इसका जो रोशनी है ना, वो देखो ये यहाँ पड़ रही है तो उसकी रोशनी पूरी ऐसे 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 फैल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, फिर यहाँ से जो लाइट है वो स्प्रेड भी हो रहा है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये जो शेड का जो वेव है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करता है उस एप्पल का जो एक डार्कनेस होता है ना, उसको काफ़ी अच्छे से डिसाइड करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला शेड है ना, वो उसकी मांग है कि जो आप शेड करो ना, उसको आप इस तरह से करो, इस साइड में करो, ठीक है। वहीं पर जब आप इस वाले एरिया की देख रहे हो ना, जैसे कि जैसे जैसे देखो वेव होता है ना वेव, तो मान लो ये एप्पल है तो ऊपर से ये धीरे धीरे राउंड हो रहा है, ओके। ये धीरे धीरे राउंड होकर नीचे को जा रहा है ना, तो हमें बस वही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा और घूम गए, ठीक है, फिर थोड़ा सा और घूम गए, है ना, फिर थोड़ा सा और घूम गए, देखो ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका जो एप्पल है वो ऑटोमेटिक ना, मतलब उसकी शेडिंग अगर स्मूथ नहीं भी होगी तब भी वो दिखता है कि हाँ भाई कुछ शेडिंग अच्छा हुआ है, ओके। तो वही करेंगे यहाँ पर। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर यूं जा रही है नीचे की ओर, ठीक है, और जस्ट वहाँ पर हल्का सा यहाँ पर दबा हुआ सा भी है, ठीक है। तो बस हम वेव की तरह चलेंगे,
जैसे कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो बस हम भी यूं साथ में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? देखो मैं पूरा वेव की ओर से चल रहा हूँ, मतलब, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रुक गया, ठीक है? अब ये वेव ना यहाँ से उतर रहा है नीचे की तरफ। अब तो वापस से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, आप देखो यहाँ पर भी वेव है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो मैं 4 लाइन भरने को बोला है ना, वो 4 शेड्यूल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? आधी शेड्यूल तो वहीं पे आप सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? इसको मैंने उसी वेव में फिल कर दिया है ना? ये तो एक हो गया बेस, ठीक है? अब हम करेंगे पहले इसको डार्क। आप देखो कहाँ कहाँ पर जा डार्क दिख रहा है। अब ये वाला डार्क है, ठीक है? और देखो जो शेडिंग होती है ना, वो हमेशा लेयरिंग में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में मतलब पोत रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस लेयर बाय लेयर यूज़ करो, तो ये भी ना स्मूथ दिखना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। बाकी हम स्मूथ पे ध्यान नहीं देंगे अभी, ठीक है? अब देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो मैंने डार्क कर रखा था, ओके? पर यहाँ से थोड़ा सा जा रहा है शेडो, तो यहाँ मैं थोड़ा सा शेडो बना रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी ये तो पूरा डार्क है, तो उसको आप ऐसे ही फिल कर दो तब भी चलेगा। और ये हल्का सा यहाँ पे भी हल्का शेडो फैल रहा है, ओके? तो नीचे का हमने शेडो बना दिया। शेडो स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शेडो सिर्फ बनाने से ही ना आपका जो स्केच है वो 3D में दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो लाइट यहाँ पड़ रही है, ठीक है? तो इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है इसको हम रहने देंगे, ठीक है? इसको मार्क कर लो, ठीक है? अभी जो बिगनर्स होते हैं ना, नॉर्मली क्या दिखाने के लिए स्केचिंग करते हैं, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? ये वाला जो एक्सट्रीम वाइट एरिया है ना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ पहले से ही, ठीक है? अब देखना ये, अब आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पर डार्क एरिया ज़्यादा है, ठीक है? अब ये देखो, ये वाला है, यूं पहले मार्क कर लो, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर 1 मिनट बस, ये वाला यहाँ पर काफ़ी डार्क है, और यहाँ नीचे से भी ये वाला एरिया, ये एरिया डार्क है, और यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है? तो पहले हम इसको डार्क करेंगे, ओके? और जस्ट ये आपका होमवर्क में रहेगा कि आप इसी को वापस यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है? बस ये मार्किंग मत करना, मतलब पहले एक बार आप ऐसा बना लेना, फिर दूसरा यहाँ पर बिना मार्किंग का यहाँ पे बनाना, ठीक है? बस उसके डायरेक्शन में बस स्ट्रोक्स देते रहो, ठीक है? ऐसे से रगड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब आप यूं यूं जब शेड करते हो ना, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है शेडिंग पर, काफ़ी ज़्यादा। इसका असर ना आपको हेयर्स में ज़्यादा दिखेगा, ये जो आप ये जो शेडिंग कर रहे हैं ना, तो इसका जो फ़ायदा होगा आपको हेयर्स में बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? अब देखो ये वाला है, इस तरफ से जा रहा है, तो हम भी इस तरफ से शेड करेंगे। स्मूथ शेडिंग अभी आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? बस रफ शेडिंग करना सीख लो पहले। स्मूथ शेडिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो उससे आप इजीली आप सीख जाओगे, बट उसके लिए ना, वो समझने के लिए आपको पहले ये सब चीज़ें पहले आपको सीखनी पड़ेंगी। मैंने जो वेव बताए थे ना, वैसे वैसे ही जैसे सारे वेव्स मैंने बना रखे हैं ना, आपको सेम सेम बस उसी वेव्स में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है।
और ये करीब चलेगा 5 या 5 दिन मान लो, 5 डेज, मतलब हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपका जो एक तो हाथ खुल जाएगा शेडिंग में, और डार्क एरिया ना थोड़ा समझ में आने लगेगा। फिर बर्ड्स ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स सीखेंगे, और फिर आ जाएंगे ह्यूमन पोर्ट्रेट पे। कुछ लोग का ये भी सवाल रहता है कि इसमें फ़र्क क्या होगा सर, आप तो पहले पोर्ट्रेट सिखा दो। देखो ऐसा है कि अगर अगर आप बर्ड या फिर अगर एनिमल्स अगर आप प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो यार फेस आप कैसे ड्रॉ कर लोगे? आपको सोच कर देखो, जब सिंपल चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो फेस तो वैसे ही टिपिकल होता है। ओके और देखो यहाँ पे काफ़ी डार्क था। ओके अब यहाँ से अब देखो दूसरी चीज़ है, जो बिगनर होते हैं ना वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं, एक गलती सेम करते हैं, सब लोग करते हैं नॉर्मली। ये एक शेडिंग है, ठीक है, दूसरा है ये शेडिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, डार्क और लाइट एरिया, ठीक है, ये मतलब दिखता है कि मतलब कि ये डार्क है और ये लाइट, मतलब अलग अलग दिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे कि मान लो आपने यूं शेड किया है डार्क या लाइट, तो इसको क्या करो, हल्का सा आपने मान लो यूं किया है ना, तो इस बार आधा तक, आधा मतलब ये जो आपने लाइट कर रखा है ना शेड, उसका हाफ एरिया उसको उल्टे डायरेक्शन में शेड कर दो। उससे क्या होगा ना, एक स्मूथनेस सी आ जाती है फ्लो में, ठीक है, तो ये पता नहीं चलता है। देखो अब यहीं पे डार्क होते होते तो लाइट हो गया ना, जब इसको आप ब्लेंड करोगे तो फिर और वो स्मूथ दिखना शुरू हो जाता है। बस उसी डायरेक्शन में शेड करते रहो, ठीक है। अब ऊपर शेड कर लेते हैं पहले। अब मैं इसको कर रहा हूँ पहले ब्लेंड, जो डार्क एरिया है ना पहले मैं उसको भी ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। और अभी आपको स्मूथ ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं, देखो अभी यहाँ पे आपको रफ रफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो अभी 4-5 दिन ना बस हम डार्क एरिया को समझने में निकालेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको डार्क दिख रहा है ना, पहले वहाँ पर ना आप ब्लेंड कर लो थोड़ा सा। ओके अब इसके बाद 1 मिनट यहाँ पे ब्लेंड कर लेते हैं। अब मैं पहले लीफ बना रहा हूँ, सिंपल है। जो ये जो टहनियाँ बनाते हैं ना, देखो यहाँ पर बीच में शेडिंग है उसको ध्यान मत दो, बस जो साइड साइड में जो ये जो लाइनिंग है ना, अगर आप ये भी अगर प्रॉपर अगर अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाते हो ना, तब भी वो काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर आप अभी बिगनर हो तो उतना ध्यान मत दो फिनिशिंग पे, बस सॉरी शेडिंग पे, बस हल्का हल्का ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ये जो लिप्स है ना, ये सॉरी लिफ लीफ है, तो पहले इसका एक साइड में यूं बना लो, ठीक है, ये लाइनिंग है। और फिर उसको ना एक बार बस यूं शेड कर लो। और हल्का सा ना ऊपर से यहाँ से ब्लेंड कर लो बस। ओके तो ये डार्क है, ये डार्क एरिया है और ये लाइट एरिया है,
ठीक है, यहाँ तक तो मतलब ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं इसको ना थोड़ा सा स्मूथ शेडिंग में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना शांति हो जाए, क्योंकि कुछ लोग क्या टीचर पे भी भरोसा नहीं करते हैं ना, कि उनको आता है नहीं आता है। तो अब इसको हम स्मूथ करना सीखेंगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप चारकोल पाउडर का यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप शेडिंग का यूज़ कर लो। शेडिंग जब हम पेंसिल से करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वहीं अगर आप चारकोल पाउडर का यूज़ करते हो तो वो ईजिली ना ब्लेंड होकर के फटाफट तुरंत फिल हो जाता है। बट अभी हम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। करना ये है, देखो जैसे कि आप जब यूं स्ट्रोक देते हो, ठीक है, तो जब दूसरा आप स्ट्रोक देते हो ना, तो आपको जस्ट उल्टे डायरेक्शन में देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे कि अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने यूं यूं किया, ठीक है, तो बीच में जो पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बीच में रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको उल्टा में जब शेड करना चालू कर दोगे, तो कुछ पार्टिकल जो रह गए थे वो क्या फिल हो जाते हैं। फिर अगर आप तो उस आप जैसे ये और ये तो कर लिया, अगर आपने अगर यूं शेड किया, ठीक है, यूं किया, तो ऑटोमेटिक ना वो भी फिल हो जाता है। और फिर एक और कर लो इसके ऊपर, ठीक है, तो ये और भी शेड अच्छा हो जाता है। अगर फिर उसके ऊपर से फिर आप इसको ब्लेंड कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिक ना स्मूथ दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यही तरीका होता है शेडिंग का। अभी तो हमने सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा किया था, मतलब एक ही डायरेक्शन किया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना ब्लेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ज़्यादा ब्लेंडिंग पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा दिखे इसलिए करते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर ऐसे शेड किया था ना, तो हम शेड करेंगे जस्ट इसके उल्टे में। अब बिल्कुल लाइट प्रेशर रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूं शेड किया था ना, तो इस बार हम यूं करेंगे। अब इसके बाद ये वाला एरिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने सीधा सीधा शेड किया था ना, तो फिर से इसमें हम थोड़ा सा यूं तिरछा कर देंगे शेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यूं शेड किया था, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में आप शेड कर लो थोड़ा सा। देखो स्मूथ शेडिंग होता बस यही है कि बीच में जब देखो ये मैंने यहाँ पर शेड किया, इसको ब्लेंड नहीं किया अभी, तो बीच बीच में ना डॉट डॉट से जो दिखते हैं ना वाइट वाइट से, तो बस वही होता है। अगर आप स्मूथ ज़्यादा करने लग जाओगे तो ये जो वाइट वाइट से जो एरिया है ना वो दिखते नहीं है, तो वो क्या वो फिर वो ना वहाँ पर ना सरफेस थोड़ा सा ना स्मूथ दिखना शुरू हो जाता है। बस यही है स्मूथ शेडिंग। मैंने जिस डायरेक्शन में पहले ड्रॉ किया था, जस्ट उसके उल्टा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और चारकोल ना थोड़ा सा फैलता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर यूं किया था ना, तो अब इसमें उल्टा डायरेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। जिगजैग मोशन का यूज़ करना चाहिए बस।
अब देखो यहाँ पर मैंने यूं स्टार्ट किया था शेडिंग करना, तो अब दूसरे डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। ओके अब देखो जैसे कि यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डार्क है, अभी भी थोड़ा अलग दिख रहा है ना, तो वापस से मान लो अभी हमने यूं किया था, तो अब यूं सीधा सीधा कर लेंगे। अब एक बार यूं भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब मैं इसके बाद ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर काफ़ी डार्क है, ठीक है, तो पिछला बार हमने यूं किया था सीध में, इस बार हम थोड़ा तिरछा कर लेंगे। पहले आप इस बार एक टेक्निक से सीखो, ठीक है, फिर इसके बाद ना और भी बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, है ना, तो पहले आप बस इस चीज़ को सीखो। इसमें उतना फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ आपका काम चल जाएगा इससे। ओके अब देखो इसमें हमने शेडिंग यूं की थी ना, तो तिरछा कर देंगे थोड़ा सा। और देखो जो चारकोल होता है ना, उस जब आप ब्लेंड करते हो तो उसका असर ना थोड़ा दूर तक भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाइट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, तो इसके हम थोड़ा दूर दूर तक ही शेड करके छोड़ देंगे बस। ओके अब देखो ये डार्क है, ये काफ़ी लाइट है, तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर यूं किया था ना, ठीक है, तो उसको और हल्का सा डार्क कर दो जिगजैग मोशन में, ठीक है। क्रॉस होता है ना क्रॉस, बस यूं करते चल जाओ। ओके और थोड़ा सा यहाँ पे और मिला देते हैं। जितना ज़्यादा लेयरिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा मतलब जो रियलिज्म है ना उस पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये दो लेयर ही हुआ है, इस पर आप चाहो तो चार पांच लेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा लेयर यूज़ करोगे उतना सॉफ्ट और होता चला जाएगा ये। पर देखो शेडिंग के ना दो तरीके हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, एक तो पेंसिल से बना लो या तो फिर चारकोल पाउडर से। अगर आप चारकोल पाउडर से पहले ही बना लेते हो ना, तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इसके बीच में जो डॉट डॉट पार्टिकल है ना, उसको आपको फिल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो क्या फटाफट शुरू में ही हो जाता है। और थोड़ा बहुत डार्कनेस होता है तो आप इजिली पेंसिल से अचीव कर सकते हो फिर। ओके तो ये बन गया, और थोड़ा सा ये ऊपर का जो ये है टहनी, तो इसको भी बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये देखो ये वाला जो है लीफ है ना, तो यहाँ पर हल्का सा डार्क है, ठीक है, ऊपर ऊपर से बीच में थोड़ा सा वाइट है, ठीक है, तो अभी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, बस डार्क एरिया और लाइट एरिया बस इस पर ध्यान दो अभी।
अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए यहाँ पे आप पन्नी मन्नी मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट जब बनाना प्रॉपर शुरू करोगे ना, तो प्लीज़ यहाँ पर ना कोई भी कुछ भी रख लिया करो। इससे क्या होगा ना, ये गंदगी जो होती है ना वो नहीं होगी, है ना। आचावलों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान भी देना पड़ता है। अब इसके बाद इसको पहले ब्लेंड कर लो अच्छे से। चाहो तो आप राउंड राउंड भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर जिस डायरेक्शन में आपने ये जो शेडिंग की है ना, वेव्स बनाए हैं, तो आप वैसे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया पहले उसको पहले ब्लेंड करो। स्मूदनेस से क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब जो एक रियलिज्म होता है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या शुरू में जो बिगनर्स होते हैं इसी के मारे हुए रहते हैं, ठीक है। पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे ना, स्मूथ क्या होता नहीं है। फिर आप चाहो तो कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले सीखो एक बार, स्मॉल स्मॉल चीज़ें। और ब्लेंड करने से ना एक डार्कनेस होता है ना वो भी कम होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने डार्क किया था ना, जब इसको मैंने ब्लेंड किया तो देखो यहाँ पे डार्कनेस है वो कम होना शुरू हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार और इस पर यूज़ करेंगे शेडिंग का। ब्रश आप कोई सा भी ले लेना, बस एक स्मॉल होना चाहिए और दूसरा थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, ताकि मतलब बड़े एरिया पे ना फटाफट हो जाए वो उससे यूज़ करके। अब जहाँ जहाँ पे भी लाइट है ना वहाँ पे बस राउंड राउंड हल्का हल्का शेड करते चल जाओ, मतलब ये ब्लेंड करते हुए चल जाओ। अब देखो जैसे कि आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा नीचे भी आप ब्लेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी, चाहे डिटेलिंग नहीं जाना है अभी तो, ठीक है। अगर आपके पास वाइट पेंसिल अगर है, वाइट चारकोल पेंसिल अगर आपके पास है, तो सिंपल है, बस जहाँ जहाँ पे वाइट एरिया है ना बस उसको बस शांति से बना लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस लाइनिंग खींच लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिए हुए हैं तो आपको भी बस बना देना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर वाइट है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ वाइट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो वाइट है ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस सिंपल वाइट पेंसिल यूज़ करो और लाइनिंग यूँ स्ट्रोक में ब्लेंड नहीं करना है, बस सिंपल इसको फिल कर दो कुछ ऐसे। अब यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा वाइट एरिया है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा वाइट एरिया है, ठीक है। देखो डार्क एरिया अगर जैसे कि मान लो यार, इस चीज़ को समझाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई भी चीज़ डार्क तब होती है जब आप उसके कंपैरिजन में कोई लाइट चीज़ वहाँ पे रख दो। जैसे कि मैं कहूँ कि ये क्या डार्क है, नहीं डार्क भी हो सकता है लाइट भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा डार्क शेड कर दो तो अब आप इसको डार्क थोड़ी कहोगे, आप तो इसको डार्क कहोगे ना, या फिर इसको लाइट कहोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको डार्क बनाना है तो इसको तो पहले एक इसको हाइट कर दो, ठीक है,
ये मान लो कि ये मैं ड्रॉ ये बनाया मैंने, ये डार्क है कि लाइट है, तो इसके जगह पे ना और हल्का सा कोई शेड कर दो तो फिर ये डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आपको इसको डार्क दिखाना है तो उसके पास वाले शेड से ना उसको हल्का कर दो, ठीक है। तो ये मैंने बीच में भी हल्का सा ना वाइट वाइट सा है, और देखो नीचे है ना ये वाला नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक हल्का सा वाइट है, तो एक निशान लगा दो बस, और यहाँ पर भी है, ठीक है। बस आप पहले ये दो चीज़ समझ लो, ठीक है, डिटेलिंग विटेलिंग आराम से करेंगे, 10-15 दिन लगेगा इसको सीखने में, है ना। फिर जब स्मूथ शेडिंग जब करेंगे ना तो उस पर सब कुछ ध्यान देंगे प्रॉपर। बस तो ये ड्रॉ करना पहले सीख लो, ठीक है। ये जब प्रॉपर जब आप इससे कि आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा, आप तो पहले एक ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। और साथ में मैंने एक और इमेज डाउनलोड किया था ये वाला, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं इसको क्या करूँगा ना, ये इमेज को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जिनको भी नहीं पता टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है मेरा, तो वो देख लो। यहाँ पर जाना है, ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अमरजीत स्केच आर्ट के नाम से ही है ना। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूँ, सारे जो भी क्लासेस रहेंगे उनके लिंक्स, और जो जो चीज़ बताऊँगा ना मैं हर चीज़ का सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो पहले आप बस इतना ही प्रैक्टिस करो, चाहे डिटेल में मत जाओ, है ना। बाकी ये जो आप ट्राई कर लेना एक बार, बाकी फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो फिर उसको ड्रॉ करूँगा, जो भी मैंने होमवर्क में दे रखा है ना, तो वही कल ड्रॉ कर लेंगे। एक बार आप भी कर लो ड्रॉ, ठीक है, जब ताकि जब कल आप मैं जब उसको ड्रॉ करूँ तो उसमें आपको थोड़ा नया नया न लगे, उसमें थोड़ा सा आपका हाथ बैठा रहेगा ना, तो अच्छा लगेगा देखने में और बनाने में मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, बाय।